अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामीर शाह का मल्टीमीडिया प्लेटफार्म। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि वादी कश्मीर में गुज़श्ता 3 रोज़ से G20 इजलास जारी है और आज इस इजलास का आखिरी दिन है। इजलास के आखिरी दिन जहां अला सुबह जो G20 डेलीगेट्स हैं उन्होंने मुगल बागात का रुख किया, वही अभी कुछ ही देर बाद वो यहाँ अपोलो व्यू मार्केट का रुख करने वाले हैं, जिसके पेश नज़र यहाँ के सिक्योरिटी के बंदोबस्त कड़े किए गए हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वही अगर हम बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी के अलावा यहाँ जो सूंघने वाले कुत्तों उनकी भी खदमात हासिल की जा रही है। इसके साथ साथ CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट पर रखा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह के सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और इस पोलो व्यू मार्केट में अगर कोई भी अंदर जाता है तो उसको तलाशी के बगैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस सिलसिले में हम आपको यही बता दें कि आज ग्रुप डेलीगेशन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन जहां उन्होंने पहले आवाज़ सुबह मुगलवाड़ा का रुख किया, वही इस वक्त तो इस कुछ ही देर बाद वो श्रीनगर के इस पोलो व्यू मार्केट का रुख कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ का जो सिक्योरिटी अमला है वो उसको मुतहर किया गया है और यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि जो डेलीगेशन यहाँ श्रीनगर वारिद हुआ है वो इजलास में शिरकत करने के अलावा वो एक दो मुगल बागात का रुख करेंगे और इसके साथ साथ श्रीनगर का जो है पोलो व्यू मार्केट है वो यहाँ भी दौरा करके यहाँ के दुकानदारों से बातचीत करेंगे। तो इस हवाले से आज सुबह से ही यहाँ सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो डेलीगेशन है वो यहाँ पोलो व्यू मार्केट में पहुँच जाएगा और यहाँ के दुकानदारों के साथ साथ यहाँ कुछ दीगर अफराद से भी बात करेंगे। दीगर अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे तामीर शाह मल्टीमीडिया।